पीएम मोदी आज दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की सबसे पसंदीदा जगह जनता के लिए फिर से खोल दी जाएगी। इंडिया गेट के पास शाम 7 बजे पीएम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। आज से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। अब तक इस प्रतिमा की जगह होलोग्राम की मूर्ति लगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार है और अब से कुछ घंटों बाद पीएम मोदी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न सिर्फ राजधानी दिल्ली का कायाकल्प करने वाला है, बल्कि इसके पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद दिल्ली की बदली हुई तस्वीर देश विदेश से आने वाले सैलानियों को भी लुभाएगी। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन और सामने जो जगह है उसको कहते हैं बीए चौक, और बीए चौक से लेके ठीक सामने ये सड़क जाती है इंडिया गेट के पास और एकदम से सीधी सड़क है ये। इंडिया गेट तक अगर आप पहुँचें तो इस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहा जाता है, अभी तक इसे राजपथ कहा जाता है। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो जाएगा और इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को एक नए रूप में सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने वाले हैं। और न सिर्फ देशवासी बल्कि दुनिया के सैलानी भी जब यहाँ पे आएंगे तो वो देखेंगे कि भारत के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और कर्तव्य पथ की चमक कैसी है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का पहला चरण महज 21 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने जिस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी उसका आज पीएम खुद उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम के दिल के सबसे करीब और ड्रीम प्रोजेक्ट के एक हिस्से का आज उद्घाटन होने वाला है और आज इंडिया गेट के पास पीएम मोदी के प्रेरणा पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का लोकार्पण भी होना है। नेताजी की ये प्रतिमा उसी जगह पर स्थापित की गई है जहां इस साल उनकी 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। कर्तव्य पथ के सामने इंडिया गेट के ठीक पीछे जो कैनोपी लगी हुई है उस कैनोपी में आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू अब लग चुका है। पहले यहाँ पे होलोग्राम हुआ करता था लेकिन अब स्टैचू उस जगह पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टैचू का लोकार्पण करेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और कर्तव्य पथ के नए लुक के लोकार्पण के साथ आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट के ठीक पीछे जो कैनोपी है उसमें सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू किस प्रकार से लगी हुई है। और जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटिश राजा थे और आज़ादी के बाद भी 1968 तक इसी कैनोपी में उनकी स्टैचू हुआ करती थी। अंदाज़ा लगाइए कि देश भले ही आज़ाद हो गया लेकिन औपनिवेशिक पहचान को यहाँ से हटाने में कितना लंबा वक्त लग गया। 1968 में जब उसे हटाया गया आखिरकार तो उस औपनिवेशिक पहचान से मुक्ति मिली, उसके बावजूद कोई और स्टैचू वहाँ पर नहीं लगाई जा सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इस बात का फैसला किया, पहले वहाँ पे होलोग्राम लगाया गया और जब तक स्टैचू बन रही थी अब स्टैचू बनकर तैयार है, उसको उस जगह पे रख भी दिया गया है और देश के लोगों के सामने एक बार फिर से अपने एक राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू यहाँ पे रहेगी। नेताजी की 28 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भारत में सबसे ऊंची रियलिस्टिक और एक ही पत्थर से बने हस्त निर्मित मूर्तियों में से एक है। जिस स्टोन को तराश कर ये प्रतिमा बनाई गई है उस ग्रेनाइट के टुकड़े को तेलंगाना के खम्मम से नई दिल्ली लाया गया था। 1665 किलोमीटर की यात्रा के लिए 140 पहियों वाला 100 फीट लंबा ट्रक विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। आज शाम नेताजी की प्रतिमा का अनावरण आईएनए के पारंपरिक गीत कदम कदम बढ़ाए जाके धुन के साथ होगा। इसके साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए देश के सभी हिस्सों से आए 500 कलाकार कर्तव्य पथ पर प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। इसके पहले चरण के निर्माण में 2285 करोड़ खर्च हुआ है। अभी तो केवल सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट हुआ है,
अभी इसमें नया संसद भवन बनेगा, केंद्र सरकार के ऑफिस बनेंगे, केंद्रीय सचिवालय बनेगा, नॉर्थ साउथ ब्लॉक का रिनोवेशन होगा और इसके लिए टाटा कंपनी ने 40% काम पूरा कर लिया है। और आज शाम 7 बजे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के साथ ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसके लिए एनडीएमसी ने नाम बदलने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। सर्वसम्मति से राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, जिसे आप राजपथ के नाम से जानते हैं, उसका भी अब नाम बदल दिया गया है। अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अंग्रेजों की निशानियों को मिटाना है और उसी कदम में इस नामकरण को भी देखा जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम मोदी के दिल के कितना करीब है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। भूमि पूजन करके ही अपनी इस योजना को नहीं छोड़ा, बल्कि समय समय पर खुद कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर योजना के विकास की जानकारी लेते रहे हैं। और जब विरोधियों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर पीएम को घेरने की कोशिश की, तो पीएम मोदी ने अपने अंदाज में उनको जवाब भी दिया। सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट में यहां आने वाले लोगों की एक एक सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। अब यहां पहले की तरह ना तो बरसात के दिनों में जल जमाव होगा, ना ही परिवार के साथ कर्तव्य पथ देखने आए लोगों को बैठने की असुविधा होगी। घास से लेकर लाइटिंग तक की शानदार व्यवस्था की गई है। इससे पहले सेंट्रल विस्टा के इस इलाके में घूमने वाले घास पर चलते थे, जिसकी वजह से घास गायब हो जाती थी। अब लेकिन इस तरीके से पाथवेज बनाए गए हैं। कहने के लिए रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर की है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से कुल 16 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे पाथवेज बनाए गए हैं, जिनके जरिए होते हुए आप पूरे इस इलाके में घूम सकते हैं। इससे पहले घास और ड्रेनेज के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, बारिश अगर ज़्यादा हो तो पानी खड़ा हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है और बाकायदा अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, यानी बेहद नीट और क्लीन सिस्टम किया गया है। लोगों को बैठने के लिए अलग से वहाँ जगह दी गई है। देश की राजधानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी प्रतिमा और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ ही देश अपने उस पुराने गौरव को हासिल करने वाला है, जिसके लिए पीएम कर्तव्य पथ पर दिन रात चल रहे हैं। कर्तव्य पथ उद्घाटन कार्यक्रम के बाद लगातार 4 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा और आज शाम शुरू हो रहे उत्सव का समापन 11 सितंबर को होगा। इस दौरान 9, 10 और 11 सितंबर को शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक हर रोज परफॉर्मेंस होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।